Subscribe and press the bell icon for latest update. तीन तलाक के साथ साथ अब लाउडस्पीकर को लेकर सियासत गर्मा रही है। बता दें आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब योगी सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाने के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर इस तारीख तक आदेश को नहीं माना गया तो फिर 20 जनवरी तक सरकार जबरन लाउडस्पीकर उतरवा देगी। अब इस मामले पर एक डिबेट शो हुआ है जिसमें बहस के दौरान मौलाना भड़क गए और उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर बयान दे दिया जिसने तूफान मचाकर रख दिया है। बता दें आपको, इस शो में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ ही धर्मगुरु राजकुमार शास्त्री और गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा भी मौजूद थे। शो में एक वक्त ऐसा आया जब मौलाना राजकुमार शास्त्री पर भड़क गए और कहने लगे कि चाहे योगी आ जाए या फिर पीएम मोदी, मुसलमान अजान का वक्त नहीं बदलेगा। दरअसल एंकर ने कहा था कि भगवान को मनाने के लिए भूपू की क्या जरूरत है। तब राजकुमार शास्त्री ने कहा, यह फैसला खासकर मस्जिदों के लिए आया है क्योंकि वहां तेज आवाज में अजान होती है। इसी बात पर मौलाना ऐसा बोल गए। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।